वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे अवर टॉपिक इज लॉज ऑफ़ एक्सपोनेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे सो लिसन इट वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड इट ओके फर्स्ट लॉ इज़ मल्टीप्लाइंग पावर्स विद सेम बेस बेटा फर्स्ट लॉ ये है कि अगर आपके बेस सेम है और बीच में आपका बेटा मल्टीप्लाई आ रहा है तो पावर्स क्या हो जाएंगी एड हो जाएंगी अभी हमारा बेटा बड़ा, बड़ा से, बेस सेम है ना ए रेस टू पावर एम इन टू ए रेस टू पावर एन तो बेटा यहाँ पर पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी क्लियर फॉर एग्ज़ाम्पल फाइव क्यूब इंटू फाइव रेस टू पावर सिक्स सेम बेस हैं फाइव फाइव तो बेटा बीच में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई आ रहा है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा फ़ाइव रेस टू पावर थ्री प्लस सिक्स फाइव टू पावर नाइन आ जाएगा बच्चे ओके okay? नेक्स्ट बेटा सेम है पीछे बस ये था कि बेटा बीच में था मल्टीप्लाई अब यहाँ पर है बीच में डिवीजन है बेस सेम है अगेन बेस सेम है बेटा बीच में डिवीजन है तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी फॉर एग्जांपल सेवन रेज टू पावर टेन डिवाइडेड बाय सेवन रेज टू पावर एट तो बेटा बेस सेम है बीच में डिवीज़न है तो पावर्स क्या हो रही हैं माइनस सेवन रेज टू पावर टेन माइनस एट दैट इज सेवन स्क्र ओके नेक्स्ट इज़ पावर ऑफ ए पावर इट मीन्स कि बेटा आपको एक तो पावर दे रखी है पावर की फिर से पावर है लाइक ए रेस टू पावर एम देन एन इट मीन्स कि बेटा यहाँ तो एक पावर थी आपकी एम थी ना बच्चे तो बेटा उसकी फिर से पावर है एन तो यहाँ बेटा पावर्स क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी ए रेस टू पावर एम इन टू एन आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल टू क्यूब इंटू फोर दैट मीन यहाँ बेटा पावर टू हो गई है ना पहले आपकी क्यूब है अंदर फिर बेटा बाहर एक और पावर है फोर तो पावर्स क्या हो जाएंगी आपकी मल्टीप्लाई थ्री फोर जार ट्वेल्व सो आंसर इज टू रेस टू पावर ट्वेल्व वन मोर एग्जाम्पल एन स्केयर इंटू फोर तो क्या आ जाएगा एन रेस टू पावर टू इंटू फोर टू फोर जार एट सो द आंसर इज एन रेस टू पावर एट नेक्स्ट इज मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट अब यहाँ बेस डिफरेंट हैं बेस इज आर डिफरेंट नॉट सेम बट पावर्स आर सेम एम एम ओके तो क्या करना है हमने जो कॉमन सेम बेटा पावर है उसको हमने कॉमन ले लेना है और जो बेस है बेटा उसको इकट्ठे कर देना है ए बी मीन्स ए मल्टीप्लाइड बाई बी ए मल्टीप्लाइड बाई बी रेस टू पावर एम ओके फॉर एग्जाम्पल फोर क्यूब इंटू टू क्यूब बेस डिफ्रेंट है फर्स्ट का बेस है फोर एंड सेकेंड का बेस है टू लेकिन पावर सेम है क्यूब क्यूब सो बच्चे फिर वही हम क्या करेंगे अब हम जो बेसिस हैं उनको इकट्ठे कर लेंगे फोर इंटू टू और बेटा पावर को कॉमन ले लेंगे ऊपर थ्री तो क्या आ जाएगा फोर टू जार एट एट क्यूब आपका आंसर आ गया क्लियर बेटे यहाँ प्रॉपर सॉल्व करके दिखाया चाहे आप इसको देख सकते हैं लेकिन आपका इन द लास्ट जो हम लॉ यूज़ करेंगे तो वही आ जाएगा क्लियर नेक्स्ट पावर विद एक्सपोनेंट ज़ीरो अगर बेटा किसी की भी पावर ज़ीरो होती है उस तो उसकी बेटा वैल्यू ऑलवेज वन होती है फॉर एग्जांपल फाइव रेस टू पावर ज़ीरो वन माइनस फोर ओवर नाइन रेस टू पावर ज़ीरो वन माइनस फोर्टी वन टू पावर ज़ीरो वन थ्री ओवर सेवन रेस टू पावर ज़ीरो वन इट मीन्स के बच्चे अगर किसी की भी पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज वन होगी क्लियर अब बेटा यहाँ पर हम सारी बेटा एक बार फिर से लॉस देख लेते हैं फर्स्ट लॉ क्या था कि बेटा अगर बेस सेम है और बीच में क्या है मल्टीप्लाई है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी नेक्स्ट में है बेस सेम है बीच में डिवीज़न है तो, powers क्या क्या power power. पावर x, पावर तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी थर्ड क्या है बेटा जी पावर ऑफ पावर के एक बेटा पावर दे रखी है आपको एक्स उसकी बेटा फिर से पावर है वाई तो बेटा पावर्स क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी ए रेस टू पावर एक्स वाई दैट मीन एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई हो जाएगा एंड नेक्स्ट में है बच्चे पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल दैट मीन अगर आपकी बेस सेम नहीं है बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है तो हमने जो सेम uh, पावर है उसको कॉमन ले लेना है और जो अंदर बेस है बेटा जी वो इकट्ठे कर देने हैं अब बेटा यहाँ पर सेम ये डिवीज़न में भी है कि आपके अगर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो बेटा फिर वही जो सेम पावर है उसको हमने कॉमन ले लेना है और जो बेटा बेस है उनको इकट्ठे कर लेना है एंड द लास्ट इज़ बेटा अगर किसी की भी पावर ज़ीरो है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज वन होती है क्लियर ओके लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर वन यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट दी आंसर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेटा इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ हमने जो लॉज अभी पढ़े हैं पहले उनको यूज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है फर्स्ट पार्ट थ्री स्केयर इंटू थ्री रेज टू पावर फोर इंटू थ्री रेज टू पावर एट बेटा यहाँ आप देखो बेस सेम है थ्री 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 ओके okay? और बीच में क्या हो रहा है ये मल्टीप्लाई हो रहा है जब बेटा बेस सेम हो और बीच में साइन क्या हो मल्टीप्लाई तब तो पावर्स क्या होती हैं एड ओके सेम बेस सो पावर्स मस्ट बी एडेड इन मल्टीप्लीकेशन तो बेटा क्या आ जाएगा आपका थ्री रेस टू पावर टू प्लस फोर प्लस एट दैट इज इक्वल टू थ्री रेस टू पावर फोर्टीन ओके वेरी इजी ना वन मोर पार्ट सेवन रेस टू पावर एक्स इंटू सेवन रेस टू पावर टू या सेवन स्केयर बेटा इसको बोलते हैं पावर टू हो तो स्केयर बोलते हैं ना सो सेवन स्केयर अगेन बेटा बेस सेम है और बीच में क्या है मल्टीप्लाई तो पावर मस्ट बी एडेड सो सेवन रेस टू पावर एक्स प्लस टू आ गया बेटा ओके क्लियर वन मोर पार्ट फाइव स्केयर इंटू क्यूब डिवाइडेड बाय फाइव क्यूब अब बेटा यहाँ पर क्या है कौन सा लॉ आएगा पावर ऑफ पावर कि बेटा पावर ऑलरेडी है आपके यहाँ पर ना टू स्केयर है अब बेटा उसकी फिर पावर है क्यूब तो पावर ऑफ पावर तो इसमें क्या होता है ए रेस टू पावर इंटू एन इज इक्वल टू क्या बन जाएगा पावर्स की क्या हो जाएंगे बेटा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी सो टू इंटू थ्री क्या हो जाएगा टू थ्री सर सिक्स बेटा जी सो so, ये क्या आ जाएगा फाइव रेस टू पावर सिक्स डिवाइडेड बाय फाइव क्यूब अब बेटा यहाँ पर देखो बेस सेम है फाइव फाइव और बीच में क्या साइन है डिवाइड का साइन है तो बेटा पावर्स क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी क्लियर अब बेस सेम हो और बीच में डिवीजन हो तो पावर्स मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड सो so, फाइव रेस टू पावर क्या आ जाएगा सिक्स माइनस थ्री सो फाइव क्यूब आ गया बच्चे आपका क्लियर बेटा मैं फिर रिपीट कर रही हूं बेस सेम हो बीच में क्या हो आपका अगर डिवाइड हो तो पावर्स क्या होती हैं माइनस और बेटा अगर बेस सेम हो और बीच में क्या हो मल्टीप्लाई तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं ओके नेक्स्ट पार्ट बेटा एक और पार्ट देखो ए रेस टू पावर फोर इंटू बी रेस टू पावर फोर अब बेटा यहां पर बेस सेम नहीं है अब यहां पर पावर सेम है ओके बेस सेम नहीं है बेस डिफरेंट है पावर्स सेम है तो क्या होगा बेटा अब यहाँ पर बेटा यहां पावर हम कॉमन ले लेंगे और जो बेस है बेटा उनको इकट्ठे कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए इंटू बी बीच में आ गया और पावर जो बेटा बाहर कॉमन ले लिया हमने ऊपर ए इंटू बी बोथ आर वेरिएबल ना तो क्या जाएगा? A, B. A, B आ जाएगा ए बी ए बी रेस टू पावर फोर आ जाएगा बट अगर यहां पर नंबर्स होते मान लो यहां टू होता और यहां पर थ्री होता तो क्या होता है टू थ्री सिक्स सिक्स रेस टू पावर फोर ओके बेस डिफरेंट हो और अगर पावर सेम हो तो क्या करेंगे हम बेस को इकट्ठा कर लेंगे ओके क्वेश्चन नंबर टू सिंपलीफाई टू क्यूब इंटू थ्री रेस टू पावर फोर इंटू फोर डिवाइडेड बाय थ्री इंटू थर्टी टू बेटिया हम सॉल्व करना है अब क्या करेंगे पहले हम जो बच्चे पावर्स में नहीं है उनको हम क्या करेंगे पहले उनके फैक्टर्स बना लेंगे क्लियर तो क्या जाएगा टू क्यूब एज इट इज थ्री पावर फोर एज इट इज अब बेटा हमें फोर पता है कि फोर क्या होता है टू टू जर फोर दैट मीन टू स्केयर बन जाएगा ये यू नो ना फोर इज इक्वल टू क्या होता है टू इन टू दैट मीन फोर इज इक्वल टू टू स्केयर होता है बच्चे सो so, यहाँ पे क्या आ जाएगा टू स्केयर बेटा यहाँ क्या है आपका थर्टी टू है बेटा ये देखो बेटा फैक्टर बने हुए थर्टी टू के अब यहाँ पर टू कितने टाइम्स आया वन टू थ्री फोर फाइव दैट मीन थर्टी टू इज इक्वल टू क्या जाएगा? Two to power five आ जाएगा टू रेस टू पावर फाइव आ जाएगा सो बेटा मैंने यहां पे लिख दिया टू रेस टू पावर फाइव इन प्लेस ऑफ थर्टी टू क्लियर नाउ यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सेम अब बेटा यहाँ पर देखो टू क्यूब है और ये टू स्केयर है दैट मीन इनके बेस सेम है टू टू और साइन क्या है बेटा बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर्स क्या हो जाएंगी एड हो जाएंगी तो क्या जाएगा टू रेस टू पावर थ्री प्लस टू फाइव इंटू थ्री रेस टू पावर फोर नीचे एज इट इज थ्री इंटू टू रेस टू पावर फाइव नौ यहां कितना आ जाएगा थ्री प्लस टू फाइव टू रेस टू पावर फाइव इंटू थ्री रेस टू पावर फोर ओवर सेम बेटा फिर वही थ्री इंटू टू रेस टू पावर फाइव बेटा अब ये सेम है ऊपर ये कट जाएंगे आपस में ओके तो बचा क्या हमारे पास थ्री रेस टू पावर फोर ओवर थ्री अब बेटा ये क्या है इनके दोनों के बेस सेम है लेकिन ये डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी थ्री रेस टू पावर फोर माइनस वन बेटा यहां सिंगल थ्री था दैट मीन इसकी पावर वन है ओके okay? जब बेटा कुछ नहीं दिया इट मीनस कि वो वन टाइम ही आ रहा है इट मीन बेटा उसकी पावर क्या हो जाएगी वन हो जाएगी तो क्या आ गया ये थ्री रेस टू पावर फोर माइनस वन क्यूब थ्री क्यूब दैट इज योर आंसर वन मोर पार्ट थ्री रेस टू पावर जीरो प्लस टू रेस टू पावर जीरो इंटू फाइव रेस टू पावर जीरो बेटा आपका ये भी एक लॉ था ना अगर किसी की भी पावर जीरो हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है ऑलवेज वन होती है क्लियर क्या लो था ए रेज टू पावर जीरो वेरिएबल है इट कि बेटा यहाँ पर कोई भी नंबर हो चाहे यहां थाउजेंड ले लो हंड्रेड ले लो फिफ्टी ले लो कुछ भी ले लो नाइनटी नाइन एनी नंबर बेटा किसी की पावर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज वन आएगी अब बेटा इट मीन इसकी वैल्यू कितनी होगी वन प्लस सेम है बेटा इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी वन इंटू बेटा सेम हेयर इसकी वैल्यू बेटा क्या जाएगी? आ जाएगी वन आ जाएगी सो वन प्लस वन टू टू इन टू वन टू वन जर टू सो योर आंसर इज टू बेटा एक और बात बेटा कई बार बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं कि मैम ने कहा था किसी की भी पावर ज़ीरो हो तो उसका आंसर वन आएगा यहां देखते हैं बच्चे कि इनकी पावर जीरो है तो इसका सीधा ही आंसर वन डाल देते हैं ऐसे नहीं बच्चे इसकी वैल्यू वन है प्लस इसकी वैल्यू वन है इंटू इसकी वैल्यू वन है देख सॉल्व करना है यहाँ पर वन प्लस वन टू टू इन टू वन टू आ गया टू वन जर टू ओके